तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू उपेंद्रा एडिट्स यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ PSCC से बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटो एडिटिंग करके दिखाने जा रहा हूँ। तो आपको कुछ इस प्रकार का फोटो एडिटिंग करके दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको PS ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद अब ऐड फोटो पर क्लिक करके फ़ोटो लाइब्रेरी पर आके आप जो फोटो एडिट करेंगे वो फ़ोटो को ऐड कर लेना है। उसके बाद आप कॉर्नर में यहाँ देख सकते हैं ब्रश का आइकन है, उसको उस ब्रश का आइकन को चूज कर लेना है और आप अपने शरीर के चारों तरफ ब्रश का आइकन से मार्क कर देना है। तो देख लीजिए जैसे कि हम कर रहे हैं उसी तरह आपको कुछ इस प्रकार से करना है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बना के थोड़ा जल्दी जल्दी में हम मार्क कर लेते हैं। पूरा मार्क हो जाने के बाद अब आप देख सकते हैं ऊपर में चार ऑप्शन दिया हुआ, तो उसमें पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और रिफाइंड एज पर क्लिक कर देना है। इससे होता है कि आपका जहां पर फेस अच्छा तरह से नहीं कटा तो वहां मार्क कर देना, फेस कट जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि आपने अगर मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी है, तो जाके फॉलो कर लें। तो फिर से आपको फर्स्ट वाले टूल्स पर क्लिक कर देना और एक्सट्रैक्ट मोड पर क्लिक करके बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है। अब कॉर्नर वाले लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फोटो लाइब्रेरी से अपना बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड ऐड हो चुका है, कुछ अच्छे तरह से ऐड करके सही का निशान पर क्लिक कर देना। अब फिर से आपको फोटो लेयर पर क्लिक करके अपने बैकग्राउंड को नीचे की ओर ले आना है। अब फिर से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके फिर से आपको एक और लाइट का PNG को ऐड कर लेना है मॉडल के पीछे की ओर, कुछ बड़ा सा जूम करके अच्छे तरह से उसको मॉडल के पीछे से ऐड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं PNG ऐड हो चुका है। तो फिर से आप लेयर वाला आइकन पर क्लिक करके वही लाइट वाले PNG पर ऐड करके ओवरले वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और इसको स्क्रीन मोड कर लेना है।
अब फिर से आपको ऐड वाले लेयर पर क्लिक करना है और फोटो लेयर पर क्लिक करके आप फिर से आपको एक स्टाइलिश लिखा हुआ लोगो वाला पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से साइड की ओर ऐड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मेरा ऐड हो चुका है। अब फिर से आपको वही फोटो लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और ऐड लेयर पर क्लिक करके आप एक ब्लू कलर का शैडो को ऐड कर लेना है, कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ को ऐड कर लेना है। तो देख सकते हैं अब ऐड हो चुका है, लेकिन मॉडल के पीछे है तो उसको आपको उसको मॉडल के ऊपर कर लेना है और उसकी ओपेसिटी को घटा देना है। तो मेरा फोटो एडिट हो चुका है। तो आप अब सेव वाला आइकन पर सेव कर लेना है फोटो को। अब लाइटरूम ऐप में आ जाना है कलर रिटचिंग के लिए। अब आप लाइट वाले टूल पर क्लिक कर देना है और उसका एक्सपोजर को हल्का सा बढ़ा देना है। उसके बाद उसके कॉन्ट्रास्ट को 2-3 रख देना है। अब हाईलाइट को थोड़ा हल्का सा घटा देना है। अब फिर आप शेडो को हल्का सा घटा देना है, करीब 25-26 के आसपास, और वाइट को बढ़ा देना है। अब ब्लैक को थोड़ा घटा देना है और आ जाना अब कलर वाले टूल पर। कलर वाले टूल पर आने के बाद आप विवरेंस को बढ़ा देना है करीब 19 के आसपास, और टेम्परेचर को अपने फोटो के अनुसार देख के अच्छे तरह से लगा देना है। तो मैंने तो -2 रखा। अब टिंट को भी +2 या 3 रख देना है। उसके बाद मिक्स टूल पर आ जाना है। तो उसके बाद रेड वाले कलर का सेचुरेशन को बढ़ा देना है और हल्का सा लुमिनस को भी बढ़ा देना है। अब आप ऑरेंज वाले कलर का लुमिनस बढ़ा देना है और सेचुरेशन को घटा देना है, जिससे फेस आपका गोरापन में आ हो जाएगा। अब आ जाना है येलो टूल पर, उसका लुमिनस को बढ़ा देना और सेचुरेशन को घटा देना है। अब आपको ग्रीन वाले टूल पर आ जाना है और उसका सेचुरेशन को घटा देना है। उसके बाद ब्लू वाले टूल पर आ जाना है, उसका सेचुरेशन को बढ़ा देना है करीब 70-75 के आसपास। फिर से आपको ब्लू वाले टूल पर आना है और उसकी हुई को -6 या 7 रख देना है और उसके लुमिनस को हल्का सा बढ़ा के सेचुरेशन को भी बढ़ा देना। अब पर्पल वाले टूल पर आके उसके हुई को बढ़ा देना है करीब 36-37। उसके बाद पिंक वाले टूल पर आना है, उसका हुई को -77 या 78 के आसपास रखना है। तो मेरा कलर रिटचिंग हो गया है। अब आप इफेक्ट वाले टूल पर आके टेक्सचर को करीब 11 रख देना और उसके क्लैरिटी को भी घटा देना है। तो उसकी क्लैरिटी को आप -10 या 11-12 के आसपास रखना है। डीहेज को +12 रख देना है। अब भिगनेट को -28 या 24-25 रख देना है। अब मिड पॉइंट को भी घटा देना है और फेदर को फुल्ली बढ़ा देना है, 100 कर देना है। अब आप डिटेल्स वाले टूल पर आके उसकी शार्पिंग को करीब 60-65 रख देना है और उसके डिटेल्स को बढ़ा देना है, और नॉइस रेडिएशन को हल्का सा 5-6 रख देना है, और कलर नॉइस को 18-20 रख देना है। तो मेरा फोटो एडिट हो चुका है। अब शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो शेयर करके सेव कर लेना है। अब तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले आइकन पर क्लिक कर दें।